नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता की शौर्य गाथा सुनाएंगे। यदि हम अपनी रक्षा सेनाओं का इतिहास देखें तो पाएंगे कि अनेक अवसरों पर सैनिकों ने अपने रेजिमेंट के लिए असाधारण हिम्मत भरा कार्य कर दिखाया है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका सम्मान बचाने में उनकी जान भी जा सकती है। भारतीय सेनाओं में रेजिमेंट के प्रति प्रेम और रेजिमेंट की परंपराओं के प्रति सम्मान हमारी सेना की ताकत है। युद्ध के समय यही ताकत उपयोगी साबित होती है। कहते हैं कि कुछ लोग जन्मजात नेता होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। कभी कभी उचित वातावरण मिलने पर युवा भी अच्छे नेता बन जाते हैं। यदि हम सोमनाथ शर्मा के जीवन पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि नेतृत्व के गुण उनके चरित्र में ही रचे बसे थे। उनका लालन पालन ऐसे परिवार में हुआ था जो सेना जैसा ही था, और यहीं उनके चरित्र का निर्माण हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा फौज में डॉक्टर थे। वो अपने लाहौर शहर में अच्छी खासी प्रैक्टिस जमा सकते थे, पर उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विदेशी धरती पर लड़ रहे भारतीय सैनिकों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा समझा। उनके मामा लेफ्टिनेंट कृष्ण दत्त वासुदेव 4/19 हैदराबाद बटालियन में थे और मलाया में जापानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना ने सोमनाथ और उनके भाइयों को बहुत प्रभावित किया। अपने मामा के प्रेरक उदाहरण से उत्साहित सोमनाथ शर्मा ने कुमाऊं रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं स्वेच्छा से सौंपी। जो उन्हें जानते थे उनके अनुसार सोमनाथ धरती से जुड़े एक व्यवहारिक सैनिक थे जो अपना काम बेहतर तरीके से करते थे। वे किसी किस्म का दिखावा पसंद नहीं करते थे। स्कूल के दिनों में भी सोमनाथ मजबूत थे, खेलों में उत्कृष्ट थे तथा अच्छे जिम्नास्ट भी थे। ज़्यादातर सैनिक परिवारों की तरह उनकी पढ़ाई उन्हीं स्कूलों में हुई जहां पर पास में उनके पिता तैनात थे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में सोमनाथ और उनके भाई शेरवुड नैनीताल में पढ़े, क्योंकि उस समय पढ़ाई के लिए स्थायित्व की आवश्यकता थी। सोमनाथ के भाइयों तथा एक बहन ने भी सेना की सेवा की। कमीशन पाने के पश्चात शीघ्र ही सोमनाथ जापानी सेना से लड़ने के लिए अराकान भेजे गए। हालांकि वे युवा अधिकारी थे, पर उन्होंने अपने नैसर्गिक नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता उनमें थी। अराकान में हुए एक युद्ध के दौरान वे भीषण गोलाबारी के बीच से अपने एक घायल सैनिक को पीठ पर लाद कर ले आए। शत्रु के सामने अपनी वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्होंने सम्मान भी पाया। जम्मू कश्मीर के युद्ध में जाने से पहले ही वो युद्ध कौशल में पारंगत हो चुके थे। 4 कुमाऊं बटालियन के जवान 31 अक्टूबर 1947 को घाटी में उतरने लगे थे। डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में थी। वो 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के पहले सैनिक अधिकारी थे जो वहां पहुंचे थे। श्रीनगर आने वाले रास्तों की रक्षा के लिए 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड की विभिन्न टुकड़ियों को भेजा गया। तभी खबर मिली कि आक्रमणकारी अनेक रास्तों से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं, और एक समूह श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मील दूर बड़गाम की ओर से बढ़ रहा है। ये गांव श्रीनगर हवाई अड्डे से मात्र 2 मील की दूरी पर था और दुश्मन यहां से हवाई अड्डे पर आसानी से कब्जा कर सकता था। 4 कुमाऊं की ए और डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में तथा 1 पैरा कुमाऊं कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में बड़गांव भेजी गई। मेजर सोमनाथ शर्मा एक अनुभवी सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भीषण अराकान युद्ध में बर्मा मोर्चे पर भाग लिया था। उनकी वीरता के प्रसंग प्रसिद्ध हो चुके थे। श्रीनगर जाने से पूर्व जिम्नास्टिक अभ्यास करते समय उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और भारी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हालांकि प्लास्टर कटने और फ्रैक्चर ठीक होने तक उन्हें दिल्ली में ही रहने की सलाह दी गई थी, पर उन्होंने अपनी कंपनी के साथ श्रीनगर जाने की जिद की। उनका तर्क था कि वे अपने सैनिकों को अच्छी तरह से जानते समझते हैं और जब वो युद्ध में जा रहे हैं तो उनका साथ जाना जरूरी है। 4 कुमाऊं की ये 2 कंपनियां बड़गांव की ओर कूच कर गईं। उसके थोड़ी ही देर बाद 1 पैरा कुमाऊं की कंपनी भी आगे बढ़ी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने खबर दी कि उन्होंने बड़गांव के पश्चिम में ऊंचे मैदान में मोर्चा बांध लिया है
और इलाके पर उनकी अच्छी पकड़ है। एक पैरा कुमाऊं बड़गांव के दक्षिण पूर्व में पहुंच गई। उस समय स्थिति शांतिपूर्ण थी। अब एक पैरा कुमाऊं को आदेश दिया गया कि वो मैगाम की ओर बढ़े और एक पंजाब से संपर्क करे और उसके बाद हवाई अड्डे पर लौट आए। एक पैरा कुमाऊं कंपनी ने मैगाम तक का दौरा बिना किसी अवरोध के पूरा किया और एक पंजाब से संपर्क करके दिन में 1 बजे से पहले हवाई अड्डे लौट आई। कैप्टन वुड ने समाचार दिया कि दुश्मन दूर दूर तक नहीं है और रास्ते के गांव सुरक्षित हैं। मेजर शर्मा ने खबर दी कि बड़गांव में सब कुछ सुरक्षित है। गांव के लोग अपनी दैनिक गतिविधियां आराम से और बेरोक टोक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ग्रामीणों का एक समूह एक नाले के पास एकत्रित है। मेजर शर्मा को आदेश मिला कि 1:30 बजे से वो वापस लौटना प्रारंभ कर दें। 2 बजे मेजर शर्मा ने समाचार दिया कि ए कंपनी हवाई अड्डे की ओर लौट रही है। ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP सेन ने मेजर शर्मा से कहा कि वे 1 घंटे तक मोर्चे पर डटे रहें और पीछे आना 5 बजे से प्रारंभ करें। मेजर शर्मा ने दोबारा आश्वस्त किया कि बड़गांव अभी भी शांत है। उस समय तक उन्हें ये एहसास नहीं था कि अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है। 4 कुमाऊं की एक कंपनी के लौटने के आधे घंटे बाद नाले के पास जमे ग्रामीणों ने अलग अलग दिशाओं में बिखरना प्रारंभ किया। वो मेजर शर्मा की कंपनी के चारों ओर आने लगे। कुमाऊनी कंपनी के सिपाहियों ने समझा कि ये ग्रामीण अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये धूर्त आक्रमणकारी हैं जो कश्मीरी ग्रामीणों की पोशाक पहने हैं और इनके ढीले ढाले कपड़ों के अंदर हथियार छिपे हैं। अचानक उन्होंने गांव के मकानों से हमला कर दिया और गोलाबारी शुरू हो गई। एक मोर्टार का गोला आकर गिरा और पास से ही हल्की मशीन गनों से गोलियां चलने लगीं। शुरू में मेजर शर्मा ने खबर दी कि वो गोलाबारी का जवाब देने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि इससे गांव की महिलाओं और बच्चों की जान जा सकती है। जिस समय मेजर शर्मा बदली हुई स्थिति की जानकारी ब्रिगेड कमांडर को दे रहे थे और बता रहे थे कि वो अपने 90 साथियों के साथ किसी तरह स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक उसी समय पश्चिम में नीचे से कबालियों का एक बड़ा जत्था आगे बढ़ने लगा तथा मोटर और स्वचालित हथियारों से हमला करने लगा। मेजर शर्मा ने इस नई चुनौती का सामना डटकर करना प्रारंभ किया। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने आक्रमणकारियों के पहले जत्थे को खदेड़ दिया, पर दुश्मन का दबाव फिर बढ़ने लगा। मेजर शर्मा की कंपनी को अब 500 कबाइलियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके अपने साथियों की संख्या कम हो रही थी। अब उन्होंने ब्रिगेड से सहायता मांगी। ब्रिगेड ने आश्वासन दिया कि हवाई सहायता मिलेगी। बहुत कम जवान होने के कारण मेजर सोमनाथ शर्मा ने स्वयं हवाई जहाज के लिए जमीनी संकेत स्थापित किए ताकि हवाई जहाज को लक्ष्य तक आने में दिशा निर्देश मिल सके। उधर 3 तरफ से हमले के कारण भारतीय सैनिक तेजी से शहीद होने लगे। दुश्मन और भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 7:1 था, पर भारतीय सैनिकों का धैर्य बुलंद था। हालांकि ब्रिगेड मुख्यालय से संदेश आया कि एक पंजाब उनकी मदद के लिए आ रही है, पर उन्हें पता था कि इसमें समय लगेगा। अब उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना मोर्चे पर एक ओर से दूसरी ओर जाना और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। उनके बचे खुचे जवानों ने भी पूरे जोश से दुश्मन की लाशों के ढेर लगाने प्रारंभ कर दिए। अब मेजर शर्मा को पता चला कि जवानों की कमी से हल्की मशीन गन भरने और चलाने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने खुद मैगजीन भरना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक मोर्टार उनके पास आकर गिरा और वो शहीद हो गए। इस युद्ध में मेजर शर्मा के अलावा सूबेदार प्रेम सिंह मेहता सहित 20 अन्य भारतीय सैनिक शहीद हुए। 26 सैनिक बुरी तरह घायल हुए। इसके मुकाबले दुश्मन की हानि बहुत ज़्यादा थी। जब बड़गाम पर भारतीय सैनिकों ने दोबारा कब्जा किया तो 300 कबाइलियों की लाशें पड़ी मिली। मेजर सोमनाथ शर्मा ने उच्च कोटि का शौर्य और नेतृत्व दिखाया, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें आज़ाद भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया। मृत्यु के समय सोमनाथ शर्मा मात्र 25 वर्ष के थे।
तब उनका विवाह भी नहीं हुआ था, पर युद्ध में असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाकर वो तब के और आने वाली पीढ़ी के आदर्श बन गए। आज की शौर्य गाथा में बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।